अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत होंगे। काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बनवा पा रहा था। और ताकि मैंने सोचा आप लोगों को मैं आज ज्योग्राफी की अपनी मैं अपडेट दे दूँ। जैसा कि गाइस आप सब देख सकते हैं, ज़ेब्रा फिंस हमारी बैठी हुई हैं। ये देखिए नीचे उतरी हैं हेंगी। यार सर्दी बहुत हो रही है, मैंने इन लोग के लिए जुगाल देसी लगा करके रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी चादर है और ये पन्नी भी मैंने लगा रखी है। गाइस मैं पन्नी और चादर को रात के समय पर ढक देता हूँगा इस वजह से, क्योंकि सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा, गाइस सर्दी बहुत हो रही है कानपुर में। अब मैं आपको जो है ज़ेब्रा फिंच के बच्चे मैं आपको अंदर चल दिखाता हूँ। मैं दरवाज़ा एक मिनट में खोल लूँ। गाइस फिंच ने जो है बच्चे तो निकाल लिए हैं, बट अंडे भी बहुत दे रही हैं। देखिए दो अंडे मैंने पहले यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने सोचा कि अगर ये अंडे पे बैठ जाएंगी तो फिर जो है मसला ख़राब हो जाएगा, बच्चों को छोड़ दूँगी। अब मैं कैमरा से आपको बच्चे दिखा दूँ। कोरोना चालू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चे ये बच्चे हैं। और गाइस इधर वाले में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा पाता है। एक मिनट मैं बैक ऐसे उल्टा कैमरा कर लेता हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे, गाइस बच्चे ये देखिए गाइस, एक ये बच्चा है, मैं इसको नीचे रख देता हूँ। मैं देख लूँ चिड़िया फीड करवा रही है कि नहीं। और गाइस साहब एक ये बच्चा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको भी नीचे रख दूँ। मैंने नीचे रख दिया है दोनों को। अब एक गाइस और बच्चा है, मैं ऊपर से देखता हूँ। गाइस एक ज़ेब्रा फिंच का बच्चा मेरा पूरा मर चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट ये कैसे मरा मुझे नहीं पता। ये देखिए आप पूरा मर चुका है, इसको फीड चुड़िया ने नहीं कराई है, बल्कि इसको तो आप देख सकते हैं पूरा कछुमड़ ही निकल गया है। गाइस यही होता है, ज़ेब्रा फिंच अपने बच्चे गाइस पाल नहीं पाती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो है फीड नहीं करवा पाती हैंगी। तभी मैं तो सोचता हूँ कि बस 2-3 तो बच्चे निकला करें, ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे निकलें फिर ज़ेब्रा फिंच लोग नहीं करती हैंगी। अब वो देखिए 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं वो 2 बच्चों को ऊपर रख दूँ ताकि जो है उसकी चिड़िया जो है ना ढूँढे ना। तो मैं दोनों बच्चों को उठा लेता हूँ। ये देखो हो गाइस मैंने उठा लिया है। अब मैं इनको ऐसे रख दूँ, कैमरा ऐसे कर दूँ। गाइस बहुत दिक्कत होती है व्लॉग बनाने में क्योंकि हाथ पैर पहुंच नहीं पाता है, नीचे ना चले आए गाइस ये लोग बच्चे लोग। और मैं इसको थोड़ा और पीछे खसकाता हूँ। गाइस आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को देखा करें तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि आप सब लोग जो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को मेरे सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अब मैं आपको बजरी दिखा देता हूँ। पहले मैं ये गाइस बंद कर लूँ। ये मैंने बंद कर लिया है, आप देख सकते हैं बजरी इधर बैठे हुए हैं। बजरी गाइस मटकी में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, मटकी में पैर तो कंप्लीट कर लेने बट मटकी में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आपको दिखा दूँ पानी, गाइस देखिए कितना सारा गंदा कर दिया है। अब मैं जो है अपने का पानी चेंज कर लेता हूँ। पहले फिर दरवाज़ा खोल लूँ मैं। एक मिनट
पानी मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं यहाँ रुक दूँ। ये देखिए बदली कैसे लगते हैं, ये देखिए आप। और गाइस ये देखिए मटकी, इधर भी अंडे जेब्रा फिंच ने दो ठो दिए हुए हैं। ये गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक के था, आज के व्लॉग को बस यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।